Moto G 45 versus Oppo K12X, तो दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट फोन होगा? अगर इन दोनों का बेस्ट वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो Moto G 45 है उसका बेस्ट वेरिएंट हमें 10K का देखने को मिल जाता है और जो Oppo K12X है उसका प्राइस हमें 13K देखने को मिल जाता है। मतलब प्राइस के हिसाब से कौन आपके लिए बेस्ट रहेगा? यहाँ पे डिफरेंस है 3000 का, पर उस हिसाब से ये नहीं कि Moto कम्पीट नहीं करेगा Oppo K12X से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इन दोनों के डिजाइन से, यहाँ पे जो Moto G 45 उसमें में वेगन लेदर देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जो कि काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज पे। और वहीं पे जो Oppo K12X है उसमें हमें एक मार्बल फिनिश देखने को मिल जाता है बैक साइड में, एक वेवी डिजाइन दिया गया है जो लुक वाइज काफी अच्छा देखने को लगता है। अगर इन दोनों के थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे जो Moto G 45 है उसका करीबन 8mm थिकनेस देखने को मिल जाता है और वहीं पे जो Oppo K12X है उसका थिकनेस हमें 7.7mm देखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों के वेट की, दोनों ही करीबन 185g के आसपास वेट करते हैं। अगर बात करें इन दोनों कलर की, तो यहाँ पे जो Moto G 45 है वो 3 कलर में देखने को मिल जाता है और जो Oppo K12X है वो 2 कलर में देखने को मिल जाता है। बात करें IP रेटिंग की, जो Moto G 45 उसमें IP52 देखने को मिल जाता है और वहीं पे Oppo K12X में हमें IP54 देखने को मिल जाता है। मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही स्प्लैश प्रूफ हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों के प्रोसेसर में आते हैं, अगर देखें यहाँ पे जो Moto G 45 है उसमें हमें स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 देखने को मिल जाता है जिसका एंटीटू स्कोर करीबन 4.5 लाख के आसपास आता है और वहीं पे जो Oppo K12X है उसे हमें MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका एंटीटू स्कोर करीबन 4,20,000 के आसपास आता है। मतलब अगर यहाँ पे देखें प्राइस के हिसाब से Moto G 45 में एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं पर हाँ अच्छा है Oppo K12X के प्रोसेसर से। तो इस हिसाब से हमको परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में 10K के हिसाब से बेस्ट देखने को मिल जाएगा Moto G 45 में। दोनों में ही LPDDR4X रैम आते हैं और EFS 2.2 दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे जो Moto G 45 है और Oppo K12X है दोनों में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और दोनों में ही वाईफाई 5 देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे जो Moto G 45 है उसमें हमें ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है, NFC सपोर्ट करता है इसमें, ये काफ़ी अच्छा है अंडर 10K में। मतलब NFC देखने को मिल रहा है हमें Moto G 45 में, और Oppo K12X में हमें NFC सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे जो ब्लूटूथ का वर्जन है हमें 5.3 देखने को मिल जाता है। बात करें इन दोनों के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो Moto G 45 है वो थोड़ा हमें छोटा फोन देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू Oppo K12X। बात करें इन दोनों के डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो Moto G 45 है उसमें हमें 6.5 इंचेस का HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो कि IPS LCD पैनल है, 120Hz का स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इसमें 518 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। बात करें वहीं पे जो Oppo K12X है उसमें हमें 6.67 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी HD+ स्क्रीन है और इसमें हमें 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है 120Hz वाला। मतलब यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में हमें करीबन सेम डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के मल्टीमीडिया की, तो यहाँ पे Moto G 45 में हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है विद डॉल्बी एटमॉस और 3.5mm जैक दोनों में देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे जो Oppo K12X है उसमें हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता। मतलब 13000 में स्टीरियो स्पीकर नहीं देखने को मिल रहा, पर 10000 देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ तो है ना Moto G 45 में, मतलब Moto काफ़ी अच्छा फ़ोन निकाल रहा है मतलब बजट के हिसाब से। अब बात करते हैं दोनों के बैटरी की, अगर बैटरी देखें तो Motorola में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है विथ 20W चार्जिंग, जो Oppo K12X है उसमें 5100mAh का बैटरी देखने को मिलता है विथ 45W चार्जिंग। कैमरा की बात करते हो, Moto G 45 में 50+2 MP का सेटअप देखने को मिल जाता है रियर साइड में और Oppo K12X में 32+2 MP का सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों से हम 1080p 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो Moto G 45 उसमें थोड़ा अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों का फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे जो Moto G 45 उसमें 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और Oppo K12X में 8MP का। दोनों से हम 1080p 30fps से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें दोनों के यहाँ पे डिफरेंस की, तो यहाँ पे Moto G 45 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाता है, थोड़ा अच्छा प्रोसेसर हमको देखने को मिल जाता है, मतलब डे टू डे लाइफ में उतना दिक्कत नहीं होगा, अच्छा गेमिंग भी कर सकते हो इस पे, आप करीबन 40fps पे आपको गेमिंग करा देगा। यहाँ पे अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्लीन UI देखने को मिलता है Motorola की तरफ से। वहीं पे Oppo K12X में हमें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिल जाते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, पर Motorola यहाँ पे ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, कैमरा भी थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है Motorola में। बैटरी के मामले में देखें तो Oppo K12X थोड़ा सा आगे देखने को मिल जाता है क्योंकि हमें 45W का चार्जर हमें देखने को मिलता है।
आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए दोनों में से। अगर आपको बिल्ड चाहिए, बिल्ड क्वालिटी में चाहिए और थोड़ा लुक चाहिए, तो ओप्पो के ट्वेल्व एक्स की तरफ जा सकते हो। पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए, तो मोटो जी 45 आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा है। वेगन लेदर बाइक में देखने को मिल जाता है, तो उतना ख़राब नहीं है। प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, यूआई भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये था दोनों का ही कंपेरिजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।